चीन पिछले काफी वक्त से लगातार ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है। एक बार फिर चीन ने 18 जंगी विमान ताइवान के आसमान में उड़ाने की हिमाकत की। इस साल अब तक चीन ने 57 बार अपने लड़ाकू विमानों से ताइवान में घुसपैठ की है। हालांकि हर बार ताइवान ने उन्हें खदेड़ दिया, लेकिन ऐसे नाजुक मौके पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने बीजिंग के प्लान ताइवान को लेकर बहुत सनसनीखेज दावा किया है, जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। रूस के हर प्रहार और यूक्रेन के हर ऐसे पलटवार पर ड्रैगन की पैनी नजर है। हर विध्वंसक टकराव को चीन की आर्मी बड़े गौर से देख रही है। पीएलए के अफसर देख रहे हैं यूक्रेन के बारूदी जवाब। यूक्रेन के जवानों की हिम्मत और यूक्रेन को मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय मदद, यूक्रेन युद्ध के 70 दिनों की तस्वीरों को देखकर जिनपिंग आर्मी ने ताइवान को लेकर बड़ा फैसला लिया है। यूक्रेन ने दिखाई हिम्मत, चीन की आर्मी में दहशत। पीएलए की स्टडी, ताइवान की कब्जा योजना टल, बीजिंग की ताइवान फाइल्स सीआईए को मिल चुकी है। यूक्रेन वॉर के बीच ताइवान पर कब्जे का प्लान बना रहे ड्रैगन के बारे में अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के डायरेक्टर ने बड़ा खुलासा किया। सीआईए के डायरेक्टर विलियम जे बर्न्स ने दावा किया कि यूक्रेन वॉर में जिस तरह से यूक्रेनियन आर्मी अपने जज्बे के दम पर रूस को जवाब दे रही, जिस तरह 2.5 महीने के बाद भी पुतिन का सपना अधूरा है, जिस तरह नेटो देशों ने रूस पर प्रतिबंधों का प्रहार किया, उससे पीएलए सतर्क हो चुका है। ड्रैगन ने अपना कब्जा प्लान बदल दिया। विलियम बर्न्स ने दावा किया है कि चीन यूक्रेन रूस युद्ध के संघर्ष की बारीकी से निगरानी कर रहा है। पीएलए ये समझने की कोशिश कर रही है कि यूक्रेन वॉर से क्या सबक लेना चाहिए। सीआईए के डायरेक्टर ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ताइवान को लेकर शी जिनपिंग के दीर्घकालिक टारगेट में कोई बदलाव नहीं होने वाला। विलियम बर्न्स ने साफ साफ कहा कि चीन के प्लान में बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन ताइवान पर ड्रैगन की गिद्ध नजर बनी रहेगी। पीएलए नई तैयारी के साथ ताइवान को कब्जाने का प्लान तैयार कर रहा है। ताइवान को कब्जाने के लिए पीएलए अपने नुकसान और परिणाम का आकलन यूरोप के नतीजों के हिसाब से कर रहा है। उन्होंने इसके पीछे अमेरिका के प्रतिबंधों का भी तर्क दिया है। सीआईए डायरेक्टर ने दावा तब किया है जबकि ताइवान को लेकर चीन का रुख बेहद आक्रामक है। पिछले 2 महीने से लगातार चीन के लड़ाकू विमान ताइपे के आसमान में जा रहे हैं। चीन के जासूसी विमान ताइपे के आसमान में घूम रहे हैं। 7 मई को एक साथ 18 जंगी विमानों ने ताइवान के आसमान में घुसपैठ की जरूरत है। यहां तक कि साउथ चाइना सी में पीएलए की नेवी विंग चक्रव्यूह तैयार करके खड़ी है, लगातार वॉर ड्रिल कर रही है, बारूद बरसाकर ताइवान को डराने की कोशिश कर रही है। समंदर में खड़े होकर दहाड़ रहे ड्रैगन ने ताइवान के पीछे खड़े अमेरिका को भी सख्त चेतावनी दी। चीन के उप विदेश मंत्री ले यूचेंग ने कहा है कि चीन की दहलीज पर अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है। ताइवान का समर्थन कर अमेरिका रेड लाइन क्रॉस कर रहा है। अमेरिका के इंडो पैसिफिक में विस्तार के गंभीर नतीजे होंगे। अमेरिका का ये कदम इंडो पैसिफिक क्षेत्र को आग में झोंक देगा। ड्रैगन खुलेआम अमेरिका को धमकी दे रहा है, लेकिन ताइवान के विदेश मंत्री को उम्मीद है कि हर हाल में अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर चीन हमला करता है
तो ऐसी स्थिति में यूक्रेन की तरह ताइवान को भी अमेरिकी सपोर्ट मिलेगा। यही नहीं, दुनिया हमारे लिए एकजुट होगी और रूस की तरह चीन पर प्रतिबंधों का प्रहार करेगी। जाहिर है जंग का बेहिसाब डर ताइवान को भी है। ऐसे में दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका ताइवान पर नए हथियार खरीदने का दबाव बना रहा है। जाहिर है कि पूर्वी एशिया के लिए ये संकेत अच्छे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।